हेलो व्यूअर्स, मैं सोनाल सोनाल बंगली किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया रेसिपी लेके आई हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पाम पकौड़े। और ये पाम पकौड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और झटपट बनती है। पाम का सीजन है तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी और ये पकौड़ा बना के आप लोग 2-3 दिन तक खा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे नए रेसिपी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पाम पकौड़ा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पाम। तो इस तरह से एक पाम ले लिया है हमने और इसे इंग्लिश में पाम बोलते हैं और बांग्ला में इसे ताल बोलते हैं, तो ताल बोरा बोलते हैं। तो ये फेमस है बंगाल में। तो इस तरह से एक ताल ले लिया है, अभी इसे खोल लेंगे। इस तरह से घुमाने से ऊपर का जो हिस्सा है आसानी से खुल जाती है। तो इस तरह से खोल लिया है, इसे साइड में रखती हूँ और इसका जो छिलका है इसे छील लेंगे अच्छे से। तो एक बर्तन ले लेती हूँ और इसमें इसे अच्छे से छील लेंगे। पाम पकौड़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से इसका जो छिलका है सारे को अच्छे से हटा देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे छील लिया है, अभी इसे तोड़ लेंगे हाथ से। आमतौर पे 2 या 3 बीज होते हैं ज़्यादातर। अब इसमें थोड़ा सा पानी देके इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इस तरह से थोड़ा सा पानी देके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसका जो पाम का जो जूस है इसको निकालने के लिए इस तरह का जाली वाला थाली भी ले सकते हो आप लोग, या तो एक ग्रेटर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है। जाली वाली थाली से करने से आप लोगों को दोबारा छानना नहीं पड़ेगा और ग्रेटर से करने से दोबारा छानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्रेटर से बहुत ही जल्दी पाम का जो पाल्प है निकाल आती है। तो इस तरह से मैं ग्रेटर से कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना जल्दी निकाल रही है पाम का जो पाल्प है, देखिए इस तरह से। तो मैं ग्रेटर से कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे ग्रेटर से कर लिया है, सारा जूस निकल आया है। अब इसे दोबारा एक बार छान लेंगे। तो इस तरह से एक छन्नी ले लिया है और इसे रखेंगे बाउल के ऊपर और इसे दोबारा एक बार छान लेती हूँ। तो इस तरह से इसे छान लेती हूँ। इस तरह से छानने से जो एक्स्ट्रा कुछ गिरे थे ये सारा निकल आया है, नहीं तो पकौड़ा खाते समय ये मुँह में आते। तो अभी हमारा जूस बिल्कुल क्लीन है, पाम का जो पाल्प है ये रेडी है। और पाम का पल्प के साथ जो जो चाहिए एक बार वो देख लेंगे। तो इसके साथ चाहिए एक बाउल कोकोनट नारियल, ग्रेटेड नारियल लिया है मैदा, चावल का आटा और लिया है राइस पाउडर शुगर, लिया है केला जरूर डालिएगा, केला से पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से इसे साइड में रखती हूँ और एक बाउल ले लेती हूँ और इसमें डालेंगे केला। केला को अच्छे से हाथ से मैश कर लेती हूँ और ये काम हाथ से कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे चीनी और केला को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये हाथ से कीजिएगा, नहीं तो जब पकौड़े खाएंगे केला मुंह में आएंगे, केला मुंह में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी और केला को अच्छे से। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पाम का जो पाल्प है वो डालेंगे और इसमें जो पकौड़े में पाम का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए सबसे। तो आप लोग जिस हिसाब से पाम लेंगे उसी हिसाब से मैदा और चावल का आटा लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल मैदा और एक बाउल चावल का आटा लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को एक बाउल ही चाहिए, जिस तरह से पाम का जूस लेंगे उस हिसाब से लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल चावल का आटा और एक बाउल मैदा डाला है। किस तरह का बेटर होना चाहिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे नारियल ज़रूर डालिएगा, नारियल से बहुत ही टेस्टी बनती है पकौड़ा। मिक्स कर लिया है, अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो 10 मिनट हो गया है, जो हमारा बेटर है ये भी बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह का होना चाहिए बेटर।
बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट होने से पकौड़ा सख्त होगा। तो इस तरह से अभी फ्राई करेंगे। तो गैस पे तेल रख दिया है, अभी एक एक करके इस तरह से पकौड़े छोड़ेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो। तो इस तरह से एक एक करके पकौड़े छोड़ेंगे। पकौड़ा फ्राई करना सभी को आती है, तो इस तरह से एक एक करके छोड़ेंगे। अभी इसे ऊपर आने देती हूँ, अपने आप ये ऊपर आ जाएगी। तो देखिए एक एक करके सारा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा हिला देती हूँ इसे। अभी इसे फ्राई करती हूँ गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, सारे में अच्छे से कलर आ गया है। अभी इसे उठा लेती हूँ और बाकी बच्चे को फ्राई करती हूँ। तो इसी तरह से सारे को एक एक करके डालेंगे और इस सारे को फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया है, अभी इसे भी बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। तो रेडी हो गया हमारा पाम पकौड़ा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक पकौड़ा मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगने से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसी लगी। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।